ऐसा फैसला कैसे कर सकती हैं अम्मा? बहुत गलत फैसला किया अम्मा ने। अभी अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अम्मा ने हमें से किसी के बारे में भी नहीं सोचा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत काम था यार आज ऑफिस में। क्या बात है फहमी, बहुत परेशान लग रही हो। क्या बताऊं मैं आपको सचात, अम्मा ने एक अलग ही से आपको खड़ा कर दिए। क्या मतलब? मतलब ये कि ऑफिस, घर, जायदाद, जमीन सब कुछ अम्मा ने भाभी और फाहर के नाम कर दिया है। तो इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है भाई? वो सब कुछ जहीर भाई का था तो उसपे हक समीना भाभी और फाखिर का ही बनता है। आप तो हमेशा उल्टी ही बात कीजिएगा। क्या हम कुछ नहीं लगते जहीर भाई के? हम बहन भाई हैं, हमारा भी हक है। अब इसी तरह से जायदाद पे भी हमारा हक बनता है। मेरे ख्याल से तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता और ना ही हबीब का। भाई वो जहीर भाई का जाती घर और कारोबार, बल्कि तुम्हें तो जहीर भाई और उनकी फैमिली का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने तुम दोनों बहनों की, हबीब की शादी करवाई, हबीब की जिम्मेदारियां संभाली। अब तुम लोग उनकी जायदाद पे नजरें गाड़े बैठे हो, बहुत अफसोस की बात है। वैसे सज्जाद, कभी कभी मुझे लगता है कि वो लोग आपके सके और हम लोग गैर हैं। फराज भाई को देखें, कैसे साइका अपा के साथ साथ रहते हैं अपना हक लेने के लिए, और एक आप है। जिस चीज पे हमारा हक बनता ही नहीं, वहां हम अपना हक क्यों जताएं? और बात सगे और गैर की नहीं, बात सही और गलत की है, तभी तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही। आप तो रहने ही दें, आपके अपने कोई बहन भाई नहीं ना, इसीलिए अगर बहन भाई होते तो आपको अंदाजा होता कि बहन भाई रिश्तेदार कितने जरूरी होते हैं, कितना हक होता है एक दूसरे पे, और इसीलिए जायदाद पे भी हमारा हक बनता है। मैं फोन करूंगी हबीब को। पता तो तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह है फहमी, लेकिन तुम अपनी लालच के चक्कर में सारी चीजें नजरअंदाज कर रही। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, इस मामले से दूर रहो। आप दूर रहे हमारे घर के मामला से। पता नहीं मैंने ये बात आपसे कर ही क्यों ली, मुझे अपने घर के मामला ना आपसे डिस्कस ही नहीं करने चाहिए। मेरा काम तो तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। अब प्लीज मेरे लिए खाना लगा दो, ये बातें छोड़ो।